भागलपुर में आए दिन पारिवारिक कलेश की कई घटनाएं सुनने को मिलती है जो अक्सर जमीन विवाद से जुड़ी होती है। हालांकि इस मामले में एक दबंग भाभी की करतूत सामने आई है। महिला पर अपने ही देवर को पुलिस से पिटवाने का आरोप लगा है। वहीं घायल देवर पैरों में प्लास्टर के साथ डीआईजी आवास पर न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। दरअसल मामला भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र से सामने आया है। घायल युवक मणिकांत कुमार और उसकी बहन किरण देवी ने अपनी भाभी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों पीड़ित पूर्वी क्षेत्र के डीआईजी विवेकानंद के कार्यालय पहुंचे। वहीं मणिकांत का कहना है कि उनकी भाभी अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रथा का मुकदमा कर पति को छोड़ मायके में रहती है और पिछले एक साल से ससुराल वालों को प्रताड़ित कर रही है। मणिकांत कुमार जिन्होंने अपने पैरों में प्लास्टर और हाथ में चोट के साथ डीआईजी आवास पर न्याय की गुहार लगाई है, उन्होंने बताया कि 20 तारीख को उनकी भाभी डायल 112 पुलिस टीम के साथ घर में आई और उनके साथ मारपीट की, जिससे उनका पैर टूट गया। उन्होंने बताया कि उनकी भाभी झूठे दहेज के केस कर ससुराल वालों से अलग मायके में रहती है और बार बार पुलिस के साथ घर पर आकर उन्हें प्रताड़ित करती है। वहीं घायल की बहन किरण देवी ने बताया कि उनके भाई की शादी नवगछिया की लड़की से भागलपुर के बुढ़ानाथ मंदिर में हुई थी और अब उनकी भाभी दहेज प्रथा का केस कर बार बार 112 पुलिस टीम को बुलाकर घर में घुसवाती है। पुलिस कभी रात के 9 बजे तो कभी 10 बजे घर में घुसकर सामान उठाकर ले जाती है और भाई की पिटाई करती है। पिछले एक साल से यह जिल्लत झेलते झेलते वह सब परेशान हो गए हैं और अब डीआईजी साहब से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं। वहीं मामले में पीड़ित पक्ष ने डीआईजी के समक्ष लिखित आवेदन देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। भाई का शादी नगच्छा हम लोग करवाए थे बुरहान मंदिर से, और भाभी जो हम लोग के ऊपर जो केस कर दिया है दहेज प्रथा के, हम लोग का केस चल रहा है, हम लोग तारीख पर तारीख जा रहे हैं। वो क्या करती है बार बार आकर बरारी थाना में 112 गाड़ी को बुला करके कुछ पैसा दे देती है, घर में जब चाहती है 7 बजे या 9 बजे घर में घुसा देते हैं, जो सामान होता है उठा के ले जाते हैं। कभी कोई एक भाई रहता है, कभी एक भाई नहीं रहता है, जिसको देखता है उसी को जो है मार करके घुलटा देते हैं। एक बूढ़ा बाप है, उसे खाना पीना भी हम लोग नहीं दे सकते, ना देख सकते, 90 साल का है, हम लोग साल से ऊपर हो गया, हम परेशान हो गया, थक गए, अभी तक मुँह में एक अन्न भी नहीं दिए। हम लोग कल समझाते थे तुम अच्छा आश्रम को क्या मतलब है, हम लोग को समय नहीं मिलता है जाने का। अभी के भाई के साथ क्या किया, अभी भाई के साथ जो है 112 पुलिस को बुला कर घर में मार खिला करके पैर तोड़वा दिए, माथा मारे हैं, मोबाइल ले लिए हैं, उसका जो डोकोमो का पैसा सब ले लिए हैं। पुलिस की है, पुलिस आके 112 गाड़ी किए, थाना वाला भेजे हैं, वो थाना वाला कुछ पैसा दे देते हैं 400-500 रुपया, और बैठ के जाती है घर घुस के बक्सा उकसा खोल के पुलिस से खोलवाते हैं, खोलवा के जो सामान रहता है घर में कोई रहता है निकाल के लेके चले जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे बोलिए, इसको शिकायत करना है। हम लोग एसपी साहब कुछ डीआईजी साहब से आए शिकायत करने के लिए। हम घर हुआ आपका? मेरा खंजरपुर है। कितने दिन से चल रहा है इस साल से ऊपर हो गया, 1.25 साल हो गया। जब हम लोग तारीख पर जाते हैं तो जबरदस्ती कोई न कोई केस बना करके है 112 को कुछ दे देते हैं, घर घुसाते हैं, हम लोग वहाँ जाते भी नहीं, छोड़ दिए देखना कि बूढ़ा बाप को भी। हाईकोर्ट में चले हम लोग, छिया कोर्ट में तारीख पर तारीख जाते हैं, लेकिन वो नया नया केस बना करके यहाँ आती है और हम लोग को फंसाती है। जब हम लोग वहाँ से कोई लेना देना, जब बाप को खूब परेशान, जब हम बूढ़ा बाप को देखना छोड़ दिए, दो रोटी नहीं दे सकते, किस में दम टूटेगा, हम लोग नहीं कर सकते। 498 का न्यायालय में केस चल रहा है, लेकिन हमारे भाभी झूठा आरोप लगा के 112 के साथ आके 20/7/2023 को रात 7 बजे 112 पुलिसकर्मी के साथ आके हमारे साथ मारपीट किया गया, जिसके कारण हमारा पैर टूट गया है। अभी हमारा इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। इस बात को लेकर दहेज प्रथा के लेकर विवाद चल रहा है। आज कहाँ है? आज हम आए हैं, डीआईजी ऑफिस आए हुए हैं सर से मिलने के लिए, जो हमारे साथ घटना हुई उसकी शिकायत करने के लिए आए हुए हैं। भागलपुर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 36 घंटे से लापता युवक का शव विक्रमशिला सेतु पुल के नीचे वड़ैया बिहार में लहूलुहान हालत से बरामद हुआ है। दरअसल मामला पर्वत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। वहीं मृतक की पहचान खगड़ा दियारा निवासी अरुण मंडल के पुत्र सुमन कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सोमवार की रात मृतक सुमन कुमार अपने गाँव के ही दोस्त लवकुश मंडल के साथ छोटी पर्वत्ता
प्रेमिका के घर की तरफ निकला था। इसके बाद सुमन ने लवकुश को बाइक लेकर खगड़ा घर भेज दिया। वहीं मंगलवार की सुबह परिजनों ने सुमन की खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका फोन लगातार स्विच ऑफ बता रहा था और कहीं अता पता भी नहीं चल पाया। जिसके बाद बुधवार को विक्रमशिला पुल के नीचे कुछ किसानों ने सुमन का शव लहूलुहान हालत में देखा और उसके बाद परिजनों को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंचकर परिजनों ने शव की पहचान की। बताया जा रहा है कि सुमन को पहले चाकू मारकर घायल किया गया और फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई है। उसके शरीर पर कई जख्म के निशान भी उभरे हुए हैं। वहीं हत्या के बाद साक्ष्य को छिपाने के लिए बदमाशों ने तेजाब डालकर शव को जलाने की भी कोशिश की है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मृतक के पिता अरुण मंडल ने बताया कि सोमवार की रात सुमन अपने दोस्त लवकुश मंडल के साथ बाइक पर छोटी पर्वत्ता की तरफ गया था और घर से निकलने से पहले उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। अरुण मंडल ने बताया कि सुमन पिछले 3-4 महीनों से छोटी पर्वत्ता जाता था और यह मामला प्रेम प्रसंग का भी हो सकता है। वहीं लवकुश ने बताया कि सुमन ने उसे बाइक लेकर घर जाने के लिए कहा था और खुद वापस लौट आया। वहीं मंगलवार की सुबह लवकुश के घर पर बाइक मिली, जिसके बाद अरुण मंडल ने सुमन के मोबाइल पर कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई तो उन्होंने रिश्तेदार के यहाँ उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। हालांकि थाना प्रभारी शंभू पासवान से संपर्क करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया। वहीं घटना के बाद सुमन के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वह न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामले में जल्द ही जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। घर से 11 बजे रात में निकला था, बाइक पे लवकुश कुमार है। कहाँ का? हमारे गांव का है। उसका पिताजी का नाम अशोक मंडल। तो सब क्या है, कैसे ही घटना हुई ये हमको पता नहीं है। ये कैसे हुआ नहीं हुआ ये तो पता नहीं है। कोई संबंध नहीं, दुश्मनी नहीं, दुश्मनी वो को सबको बाप नहीं है। देखिए हम वो तो देखते हैं कि अब मार को ऐसे दिया है कि छुरा मारा है और गमछा से गला कस दिया है, ऐसे डाल दिया है। कहाँ पे बॉडी मिला? यही इसी जगह जगह का जगह घोड़ैया बिहार कहता है। ये कहाँ पड़ता है? ये इस्माइलपुर प्रखंड में। तो बाल बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाले गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर, लाजवाब है। और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा, ये देखो है ना। तो आ जाओ फिर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड गो फॉर इट, मजा आ जाएगा। हमारा पता है खानपट्टी रोड तिलका मांझी चौक भागलपुर। मोबाइल नंबर 6200643686। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में फैली अराजकता और कुलपति के तानाशाही रवैये को लेकर एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस झड़प और लाठीचार्ज लेकर था। दरअसल मदन अहिल्या महाविद्यालय नवगछिया में वर्ष 2004-08 में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण हुआ था, जो अब तक चालू नहीं हुआ है। इसके अलावा 7 सूत्री मांगों को लेकर छात्र छात्राएं पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे थे। वहीं अनशन के दौरान कॉलेज स्टाफ ने एक छात्रा पर हाथ उठा दिया और जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। वहीं पिछले 3 दिनों से मदन अहिल्या महाविद्यालय में एबीवीपी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, जिससे छात्र नेता गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित कार्यक्रम में कुलपति से पिटाई करने वाले स्टाफ के खिलाफ
कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और छात्र कार्यकर्ता के बीच झड़प हो गई और पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस ने विद्यार्थी परिषद के एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया था। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। छात्र नेताओं का कहना है कि पिछले दो वर्षों से अस्थायी कुलपति मिलने के बावजूद विश्वविद्यालय में विकास की रूपरेखा प्रभावित है, जिससे शिक्षकों और छात्रों दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से पिछले दिनों घटना घटी, ये तो सबके संज्ञान में है ही कि किस प्रकार से छात्र अपने बातों को रखने गए, वहाँ लाठी डंडे की जिस प्रकार से कुलपति और अपने सिटी डीएसपी के नेतृत्व में यहाँ कार्य हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, दो वर्ष हो गया कुलपति महोदय आपको इस विश्वविद्यालय में आए हुए, लेकिन आप छात्र हितों की एक बात बता दीजिए कि जो आपने पूरा किया। इसी विश्वविद्यालय के प्रांगण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अनशन के माध्यम से उनको कहा था कि पीजी हॉस्टल यूजी हॉस्टल में जिस तरह से समस्या है, वहां जाकर अगर देखेंगे तो वहां जानवरों से भी खराब बेहतर स्थिति है वहां रहने की, किस प्रकार से वहां छात्र रहते हैं, किस दिन वहां सर पर ऊपर से टुकड़ा गिर जाए पता नहीं। अगर आप वहां रोड की स्थिति देखेंगे, अभी बारिश के दिनों में घुटनों भर पानी रहती है, छात्रों को वहां से खाली करा दिया जाता है। कुलपति महोदय, सिर्फ डंडा चलाने से नहीं होगा, कलम चलाइए और फाइल को बढ़ाइए और काम करवाइए। अगर आप देखेंगे कई कॉलेजों में, कई पीजी विभागों में छात्र क्लास करते रहते हैं, एग्जाम देते रहते हैं, उनके ऊपर एक चट्टान गिरता है और छात्र और शिक्षक जो है अपने जिंदगी को झकझोरने में लग जाते हैं कि हमारी जिंदगी बचेगी या मौत की स्थिति होगी। आज जिस प्रकार से कुलपति महोदय दो वर्षों में रजिस्ट्रार और कुलपति की लड़ाई इस विश्वविद्यालय को अखाड़ा बना दिया गया है, यहाँ जहाँ छात्र हितों की बात नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो शिक्षा पर सबसे अधिक पैसा खर्च करने वाला राज्य है। लेकिन छात्रों से जाकर पूछिए कि उनको समस्या का समाधान मिलता है क्या? क्या आज डिग्री के लिए सैकड़ों छात्र अपने विश्वविद्यालय में खड़े हैं? उनकी हक की लड़ाई लड़ने वाला विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हर बार इस विश्वविद्यालय में पराजय खाता है, लेकिन विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इन सभी बातों से डरने वाला छात्र संगठन नहीं है। वो छात्र संगठन कहने वाला है कि दम है कितने दमन में तेरे, देख लिया देखेंगे, चाहे उनके जेल में जितनी जगह हो खोल ले जेल का दरवाजा, लेकिन विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ऐसे मामलों में डरने वाला नहीं है। हम छात्रों की बात करते हैं, हम शिक्षकों की बात करते हैं, हम कर्मचारियों की बात करते हैं और इस बात से हमें कोई रोक नहीं सकता। क्या इस विश्वविद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था है? क्या इस विश्वविद्यालय ने दो वर्ष नियमित कुलपति रहने के बाद सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज की बात इस कुलपति महोदय ने की है, लेकिन कभी छात्र हितों की बात इस विश्वविद्यालय में नहीं हुई है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। दरअसल इस सेमिनार में रसायन विज्ञान में प्रदूषण और भौतिकी विज्ञान में अंतरिक्ष से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। वहीं रसायन विज्ञान के सेमिनार में टीएनवी कॉलेज के विभागाध्यक्ष राजीव सिंह ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया, जबकि जर्मनी से दो विद्वान डॉक्टर सोनल और डॉक्टर गुप्ता ने वर्चुअल मोड में अपना व्याख्यान दिया। बीएन कॉलेज के प्राचार्य अशोक ठाकुर ने जानकारी दी कि कॉलेज में 14 विभिन्न विषयों पर सेमिनार आयोजित होने हैं और आज का यह सत्र उद्घाटन सत्र था। इस सेमिनार का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल ने किया। दरअसल केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूजीसी के निर्देश अनुसार सभी कॉलेजों को नैक से मान्यता प्राप्त करनी है। इसी क्रम में बीएन कॉलेज ने भी बिहार के अन्य कॉलेजों के साथ आवेदन किया था। बिहार के सभी कॉलेजों में बीएन कॉलेज का ASSR एनुअल सेल्फ स्टडी रिपोर्ट अप्रूव्ड हुआ है। इसके तहत नैक की टीम कॉलेज का दौरा करेगी, जिससे बीएन कॉलेज नैक से संबंधित हो जाएगा। प्राचार्य ने बताया कि सेमिनार के आयोजन का उद्देश्य छात्रों को विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूक करना और उन्हें आधुनिक शोध और खोज के प्रति प्रोत्साहित करना है। प्राचार्य ने कहा कि इस प्रकार के शैक्षणिक आयोजन छात्रों के शैक्षणिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी
राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने और UGC ने ये आदेश जारी किया है कि जितने भी कॉलेज हैं सबका नेक से SSR होना आवश्यक है। इसी कड़ी में BN कॉलेज ने भी अप्लाई किया और BN कॉलेज के साथ बहुत सारे कॉलेजों ने बिहार के अप्लाई किए थे। ये संजोग है कि एकमात्र BN कॉलेज का SSR अप्रूव हुआ और बहुत जल्दी हमारे यहाँ टीम आएगी विजिट करने और BN कॉलेज नेक एक्रेडिटेड कॉलेज हो जाएगा। इसी कड़ी में हमारे यहाँ चूँकि SSR अप्रूवल के बाद प्रत्येक दिन की एक्टिविटी को नेक मॉनिटर करती है कि आपके यहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है, उसी में हम लोगों ने अभी जो फैंसी मैच, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, NSS की एक्टिविटी, प्लांटेशन लगातार हम लोग कर रहे हैं।